अंजू, जिस तरह से अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई है और वहां जिस तरह से उसका स्वागत हो रहा है, उपहारों की बौछारें हो रही हैं, उससे संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस आवाभगत पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि सच सामने लाने के लिए मैंने स्पेशल ब्रांच को जांच तेज करने के लिए कहा है। इस मामले का सूक्ष्मता से परीक्षण करें, हर बात की जांच करें कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। यदि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो तो ध्यान रखकर अंजू वाले केस को देखें, क्योंकि यह ग्वालियर का मामला है। अंजू के बारे में कहा जा रहा है कि उसने धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली है और उसे उपहार में फ्लैट और जमीन दी जा रही है, जिस पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही उसने अपने पति अरविंद को फोन पर धमकी दी है कि वह बच्चों को उसके पास नहीं रहने देगी। अंजू की दुबई के एक शख्स से भी खूब बातें हुई है, जो अंजू के प्रेमी नरसुल्ला का करीबी बताया जा रहा है। इस मामले पर भी खुफिया एजेंसियां जांच कर रही है। अंजू के कॉल रिकॉर्ड और बैंक खाते के डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि परिवार को बिना बताए अंजू पाकिस्तान अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पहुंच गई और अब भारत वापस आने के लिए तैयार नहीं है।